लोकसभा चुनाव में पांचवें चरण का चुनाव 25 मई को है, जिसमें दिल्ली में भी मतदान होना है। इस बीच यह बात सियासी गलियारों में काफी चर्चा बटोर रही है कि कौन है किससे अमीर। अब बारी है नई दिल्ली सीट की। ये सवाल तो हर किसी के मन में है कि कौन करेगा रायसीना पर राज, लेकिन यह भी सबके मन में सवाल है कि किसकी जेब में कितना दम, किसका बैंक बैलेंस जबरदस्त। भाजपा के दिग्गज नेता रही दिल्ली की पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। बांसुरी स्वराज का मुकाबला नई दिल्ली सीट पर आपके सोमनाथ भारती से है। बांसुरी स्वराज की ओर से चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक उनके पास 19 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, 11.27 करोड़ रुपए की जल संपत्ति है और 8 करोड़ रुपए की अधिक अचल संपत्ति है। बांसुरी स्वराज के पास 3 फ्लैट राजधानी दिल्ली में है, 2 फ्लैट जंतर मंतर पर और 1 दिल्ली के हैली रोड पर स्थित है। गाड़ियों की बात की जाए तो उनके पास 2 कार हैं, इसमें पिछले साल खरीदी गई मर्सिडीज बेज शामिल है। इस कार की कीमत 84 लाख रुपए है, तो वहीं दूसरी कार टोयोटा है जो कि 15 लाख की है। बांसुरी स्वराज के पास 2022 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 1,39,11,158 रुपए आंकी गई है। बांसुरी के पास हरियाणा के पल्लवल में 1.17 एकड़ खेती की जमीन है। पहली बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरी 40 साल की बांसुरी स्वराज की स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। नामांकन में दाखिल एफिडेविट के अनुसार बांसुरी ने इंग्लैंड से अंग्रेजी साहित्य के बीए ऑनर्स और लंदन के प्रतिष्ठित बीपी लॉ स्कूल से कानून व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट कैथरीन कॉलेज से मास्टर ऑफ स्टडीज की पढ़ाई की है। उन्होंने अपनी कमाई का जरिया बतौर वकील मिलने वाली फीस और बैंक में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज को बताया है। वहीं बात की जाए तो 3 बार के विधायक सोमनाथ भारती की, तो सरकार के पूर्व कानून, प्रशासनिक सुधार, कला और संस्कृति मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वह दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा सोमनाथ भारती तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं। सोमनाथ भारती आईआईटी दिल्ली एलुमनी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और सीनेट के पूर्व सदस्य रहे हैं। सोमनाथ भारती ने 1997 में आईआईटी दिल्ली से एमएससी की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी की। माय नेता वेबसाइट के मुताबिक सोमनाथ भारती के पास 1,42,00,000 रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि उन पर 20 लाख रुपए की देनदारी है। उनके पास 40,000 रुपए कैश है, करीब 75,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में जमा है। भारती के पास करीब 2.5 लाख रुपए की कीमत ह्युंडई कार है। इसके अलावा उनके पास 29 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी भी है। आप अपनी राय जरूर दें, क्या लगता है जनता किसका साथ जाएगी।